नमस्कार। जो सफल लोग होते हैं ना, वो अपनी किस्मत खुद बनाते हैं। अगर उनका भाग्य खराब होता है ना, तो अपने भाग्य को भी अच्छा बना देते हैं, बुरे भाग्य को भी पलट देते हैं। सफल लोगों में इतनी एबिलिटी होती है, और बस वो इन चार अच्छी आदतों पर भरोसा करते हैं। उनको पता है कि आज मेरी किस्मत खराब है, आज मेरा समय खराब है, कोई बात नहीं। वो इन चार बातों पर भरोसा रखते हैं और अपने भाग्य को भी पलट देते हैं। और वो ऐसी चार बातें क्या हैं जो आपको भी जाननी चाहिए। सबसे पहले नंबर वन, वो किसी भी कंडीशन में, किसी भी सूरत में मेहनत करना नहीं छोड़ते। सबसे पहला उनका मोटिव यही होता है। समय चाहे कैसा ही चल रहा हो, चाहे खराब चल रहा हो, चाहे अच्छा चल रहा हो, चाहे मिडिल चल रहा हो, मेहनत वो लगातार करते रहते हैं। दूसरे लोग क्या करते हैं, जब समय खराब होता है ना, तो चुपचाप बैठ जाते हैं, मेहनत नहीं करते। अरे यार, अभी समय खराब चल रहा है यार, जब समय अच्छा आएगा ना, तब मेहनत करेंगे, तब और वो काम करेंगे, ये करेंगे, स्टॉप हो जाते। लेकिन सफल लोग, समय चाहे कैसा भी हो, उनकी प्लानिंग बनती रहती है, उनकी मेहनत चालू रहती है। उनको पता है कि सुख और दुख तो जीवन के दो पहलू है। वो कहते हैं कि सुख भी आएगा, दुख भी आएगा, अच्छे दिन भी आएंगे, बुरे दिन भी आएंगे, लेकिन हमें रुकना नहीं है, हमें चलता रहना है। तो जो सफल लोग होते हैं ना, उनका सबसे पहली बात यही होती है, वो मेहनत करना कभी नहीं छोड़ते हैं। सेकंड, वो समय की कद्र करना जानते हैं, सफल लोग। और सफल लोगों के पास अगर सब कुछ होता है, वो टॉप पर पहुंच गए, उनके पास सब कुछ है, गाड़ी है, घोड़ा है, बैंक बैलेंस है, सब कुछ है, फिर भी वो समय की कद्र करते हैं। बहुत से लोग क्या करते हैं, थोड़े बहुत सफल हो जाते हैं, थोड़े बहुत पैसे कमा लेते हैं, शोक मस्ती मौज मस्ती आनंद में जीते। अरे क्या करना यार, बहुत समय पड़ा है, आनंद करो, मस्ती करो, मतलब टाइम पास करते हैं। और यही टाइम पास धीरे धीरे उनका खराब समय में बदल जाता है। और यही जस्ट अपोजिट सक्सेस पीपुल क्या करते हैं, सब कुछ है उनके पास में, लेकिन फिर भी समय बर्बाद नहीं करते, सिस्टम से चलते हैं और अपने समय का यूटिलाइज करते हैं। उनको पता है कि आज समय हमारा है, कल किसी का और का भी हो सकता है। वो समय की कीमत समझते हैं, वो समय की उपयोगिता समझते हैं। उनको पता है कि समय पैसे से भी ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट वैल्यू रखता है, इसीलिए वो समय को कभी वेस्ट नहीं करते। थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो सफल लोग होते हैं ना, उनके अंदर एक बहुत बड़ी आदत होती है, कभी ना हार मानने की आदत। चाहे उनके सामने मुश्किलें कितनी आए, पहाड़ से पहाड़ जैसी बड़ी मुश्किल आए, विपरीत से विपरीत हालात हो, फिर भी वो अपने आप से कहते हैं कि हार नहीं मानना, अपने हथियार नहीं डालना, तुझे चलना है, तुझे मेहनत करनी है, तुझे उम्मीद रखनी है, तुझे जोश रखना है, तुझे जुनून रखना है, वो अपने आप से कहते हैं। और यही आदत उनको एक दिन पहाड़ में भी रास्ता बना देती है, बड़ी से बड़ी चट्टान जैसी मुश्किल को भी चकनाचूर कर देती है, और इससे वो अपनी अच्छा भाग्य बना देते। तो आप भी ध्यान रख लेना, कभी ना हार मानने की आदत अपने अंदर रख लेना। फोर्थ एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट उनकी एक आदत होती है, निरंतरता, कंसिस्टेंसी। वो कभी भी किसी भी सूरत में अपनी कंसिस्टेंसी नहीं तोड़ते, वो चलते रहते हैं, वो स्पीड में नहीं चलते, वो धीरे धीरे चलते रहते हैं, वो लगातार अपना काम करते रहते हैं। भले ही वो सक्सेस हो जाए, लेकिन फिर भी अपना काम करते रहेंगे, रुकेंगे नहीं कि यार बहुत सारा पैसा है, बहुत सारे अब तो घर हो गए, प्रॉपर्टी हो गई, अब क्या करना है यार, बहुत से तो आराम से रेस्ट करते हैं, मजे करते हैं, बस
लेकिन सफल लोग रुकते नहीं, उनको पता है कि जिस दिन हम रुक गए उस दिन हमारी ग्रोथ रुक गई। वो अपने आप से कहते हैं कि चलते रहना है जीवन में, रुकना नहीं। तो ये चार अच्छी आदतें आप ध्यान रखना, भाग्य का लिखा भी आप पलट दोगे।